सर्द हवा से मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है और प्रदेश में 12 जिलों में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा है पारा। देश के 25 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के नौगांव और उमरिया शामिल हो चुके हैं। नौगांव में 7.5 डिग्री और उमरिया में 7.7 डिग्री तक रात का तापमान पहुंचा है। आपको बता दें कि देश के 25 सबसे ठंडे शहरों में मध्य प्रदेश के नौगांव और उमरिया का नाम सामने आ रहा है। नौगांव की यदि हम बात करें तो यहां तापमान 7.5 डिग्री और उमरिया में 7.7 डिग्री तक रात का तापमान पहुंच चुका है और अगले 2 दिन तक ऐसी ही ठंड के आसार बने रहने की संभावना है। 10 से 12 डिग्री के आसपास तापमान रहने वाला है और मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। और आइए सीधे नौगांव की ओर आपको लिए चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता कपिल लाइव जुड़ रहे हैं। कपिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देश के यदि 25 सबसे ठंडे शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के नौगांव और उमरिया उसमें शामिल है, और चूंकि नौगांव में आप हैं, क्या कुछ स्थिति इस वक्त देखी जा रही है? क्या यहां पर कहा जा रहा है कि तापमान जो है वो 7.5 डिग्री पर पहुंच चुका है? क्या व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा? शहरों में नौगांव शुमार है और नौगांव में ये प्रति वर्ष का जो तापमान जो गिरावट आती है वो हमेशा नीचे आती है, माइनस तक में आकर तापमान जाता है। और बात करें अगर यहाँ के प्रशासन की तो यहाँ के प्रशासन ने ठंड से निपटने को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अगर बात की जाए तो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। वहीं बात किया बस स्टैंड पे बंद पड़े रैन बसेरा को भी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। और अगर मैं आपको बता दूं, चूंकि ये जो कोविड का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करता रहा कि सर्दी से बचे, जुकाम से बचे, क्योंकि जो कोरोना के इनिशियल जो लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण होते हैं, वो सर्दी जुकाम से शुरू होते हैं। तो इस बार का जो ठंड है ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है और इससे प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है किस तरह से निपटते हुए दिखाई देगा ये तो खैर आने वाले समय में पता पड़ेगा सुनील जी। लेकिन प्रशासन ने फिलहाल यहाँ पर नौगांव में सारी व्यवस्थाएं ठंड से निपटने को लेकर कर ली है। बिल्कुल, लेकिन कपिल मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि कोरोना महामारी की बात करें तो हर तंत्र पर उसका असर हमें देखने को मिल रहा है और जैसा कि आपने भी बताया कि शुरुआती लक्षण जो रहते हैं वो सर्दी जुकाम से रहते हैं, तो क्या ऐसा ये नहीं कहा जा सकता प्रशासन के सामने दोहरी चुनौतियां हैं? एक तो सर्दी से लोगों को बचाना है, दूसरी ओर जो कोविड के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं इससे भी लोगों को बचाना है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? अब बिल्कुल सुनील जी, स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले यहाँ पर जो भीड़ भाड़ के एरिया है, जो मास्क सैनिटाइजर है, मतलब जो प्रिकॉशंस है उनको उपयोग पर लोगों पर जोर देना चाहिए, जागरूक अभियान चलाने चाहिए। चला भी गया कि हमारी जो स्थानीय प्रशासन है, सीएमओ के द्वारा, एसडीएम विनय द्विवेदी के द्वारा, समाचार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा कोविड से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एहतियाती बरते जा रहे हैं। अभी बता दूं आप, कल की तारीख में छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आज स्थायी जेल बनाई गई, जहां पर 2 से 3 घंटे तक बिना मास्क वालों को रखा जाएगा। तो प्रशासन भी एहतियात बरत रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार एहतियात बरत रहा है और कोविड से निपटने को लेकर जिस तरह से नौगांव जो शुरुआती समय में देश के 25 शहरों में शुमार हो गया ठंड को लेकर, तो आगे आने वाले समय सुनील जी बता दिया आज तापमान है वो माइनस डिग्री पर भी पहुंचता है। तो ये बड़ी चुनौती होगी प्रशासन की, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की और अन्य शहरों की अगर बात करें सुनील यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और कपिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी तो